होगी, एक नहीं होगी। गैस के सिलेंडर के 80% एफजेड को लेकर, भूमि अधिग्रहण के मामले को लेकर। खुली बहस में आपका स्वागत है। आज हम खड़े हैं कैथल में। सारी राजनीतिक पार्टियों के जो नेता हैं हमारे साथ हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कांग्रेस नेता दिलबाग मोर से। अगर हम बात करें दिलबाग जी विकास के कार्यों की, तो पिछले 5 सालों में विकास कार्य क्या हुआ है कैथल में? 5 सालों में नहीं, 10 सालों की बात करो। फरवरी 2005 के अंदर आदरणीय तो शमशेर सिंह सुरजेवाला यहाँ कैथल के अंदर यहाँ से MLA बने थे, और आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे हरियाणा के। इससे पहले कैथल के अंदर किसी प्रकार का कोई योगदान किसी पार्टी का नहीं था। कारण था उसका कि यहाँ से जो भी विधायक बनता था वो जाति पाति के आधार पर बनता रहा है हमेशा ही, क्योंकि यहाँ जातियाँ तो सभी हैं लेकिन सभी के कैंडिडेट भी होते थे। उनमें से चाहे कोई अग्रवाल समुदाय से अगर जीत गया तो ब्राह्मण उनके घर नहीं गए, अगर यहाँ से गुजर जाति से जीत गया तो जाट उसके घर नहीं गए, और अगर किसी तीसरी जाति का जीत गया तो वो उसकी जाति में, यानी कि जाति पाति को लेकर के यहाँ पर चुनाव होते थे। इसलिए कैथल पिछड़ता पिछड़ता और पिछड़ता ही गया, और यहाँ किसी प्रकार की कोई मूलभूत सुविधा नहीं थी। ना यहाँ पीने का पानी था, ना यहाँ अस्पताल था, ना यहाँ बस अड्डा था, ना यहाँ ROB था, ना यहाँ सरकारी कॉलेज थे। विडम्बना है, देखिए हिंदुस्तान को आज़ाद हुए इतने वर्ष बीत गए हैं, उसके बावजूद कैथल के अंदर 60 वर्षों से सरकारी कॉलेज नहीं था यहाँ पर, और मूलभूत सुविधाएं तो यहाँ किसी प्रकार की कोई थी नहीं। जब से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की सरकार में जो शमशेर सिंह सुरजेवाला आए हैं और आदरणीय अजीज रणदीप सिंह सुरजेवाला यहाँ के निर्माण से मिनिस्टर रहे हैं और आज यहाँ से विधायक हैं, तभी से यहाँ से मतवातर सड़कों की बात लीजिए, स्कूलों की बात लीजिए, पीने का पानी की बात लीजिए, STP की बात लीजिए, जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है, इससे पहले कोई सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट यहाँ पर नहीं था, नई अनाज मंडी की बात लीजिए, और जिस पार्क के अंदर आप खड़े हैं वैसे तो ये बहुत पुराना पार्क है, इसको जवाहर पार्क कहते हैं, लेकिन इसके पीछे अगर आप जाकर के अभी देखेंगे तो अगर रात को यहाँ आप आ जाते तो आपको कैथल नहीं लगता था, आपको लगेगा कि आप नैनीताल में घूम रहे हो। इस प्रकार की जो सुविधाएँ आम लोगों के लिए दी है ये पार्टी की देन है, ये आदरणीय शमशेर सिंह सुरजेवाला की वजह से है, अजीज रणदीप सिंह सुरजेवाला की वजह से है, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो मुख्यमंत्री है उसकी वजह से है, और कांग्रेस पार्टी की सरकार को जाता है। इन्होंने कहा कि काफ़ी विकास कार्य हुए हैं पिछले 10 सालों की अगर हम बात करें, अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के नेताओं का क्या कहना है इस पर? हमारा कहना यह है कि विकास इनको नजर आता है। जब मैं 12 साल की उम्र में था, भगत सिंह चौक में बारिश आती थी, गोटे गोटे पानी हो जाता था, दुकानदार अपनी दुकानों के सामान को बचाने के लिए उसको ऊपर उठाने की कोशिश करते थे। आज भी स्थिति यह है कि अगर बारिश आ जाए तो भगत सिंह चौक में गोटे गोटे नहीं, तागड़ी तागड़ी पानी हो जाएगा, लोगों की जान आफत में आ जाएगी कि हम अपने दुकान के सामान की रक्षा कैसे करें। वो अपने सामान की रक्षा के लिए रोते हैं, पीटते हैं, नुकसान होता है। ये विकास हुआ है हमारा। दूसरे विकास की बात यह है कि काम जितने भी काम यहाँ होते हैं उसके सारे के सारे ठेकेदार नरवाणा से आते हैं। समय के अनुसार सभी जगह विकास हुआ है। अब आपने कहा कि भाई यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज बना, पहले भी इनकी सरकारें रही हैं, पहले क्यों नहीं बनाया, आज क्यों बनाया? इतने साल के बाद कैथल में गवर्नमेंट कॉलेज की इनको ध्यान में आया, और फिर क्या है, एक कॉलेज मात्र बना। इतना बड़ा जिला और एक गवर्नमेंट कॉलेज बने, ये अपने आप में विकास है, ये तो विकासहीनता है। जी बिल्कुल, जिस तरह से कहा कि एक बीजेपी कार्यकर्ता को कह रहा है कि विकास के कार्य में, अगर हम बात करें हजका के, तो आप क्या कहेंगे इसमें विकास कार्य के नाम पर? देखो कांग्रेस वालों, अबे सुनो सुनो, कांग्रेस के नेताओं ने और कांग्रेस के पार्टी वालों ने अपना विकास ज्यादा कराया है। इनके राज में पिछले 10 साल में इतनी दमनकारी नीति हुई है, इनके खिलाफ कोई बात करता है तो उसको पुलिस अंदर जेल में कर देती है, लोगों की मार्केटें गिरती हैं, लोग इनके खिलाफ बोल नहीं सकते। क्या जमहूरियत में ये होता है, डेमोक्रेसी में ये होता है? जो काम होगा, एक मामूली सा काम होगा, वो भी मंत्री के महको, किसी का जो रेगुलर काम होने चाहिए, जो दफ्तरों के रेगुलर काम होने चाहिए, वो सारे इसके मंत्री के थ्रू होंगे। ये तो डिक्टेटरशिप है, ये काम होते हैं क्या?
मैं कहती हूँ कि मुझे रत्ती भर भी कांग्रेस की तरफ से या रणदीप सिंह सुरजेवाला की तरफ से कहीं भी विकास नज़र नहीं आता। अब ये कह रहे हैं कि हॉस्पिटल के अंदर हम दवाइयाँ उपलब्ध करवा रहे हैं, मेरे को एक बात बता दीजिए, ये हॉस्पिटल को मल्टीनेशनल हॉस्पिटल कहते हैं। मल्टीनेशनल हॉस्पिटल वो कहाँ से है? सामान्य हॉस्पिटल है, ना तो वहाँ अल्ट्रासाउंड की मशीन है, ना वह MRI की है, ना वह CT स्कैन की है। दूसरी बात महंगाई को ले लीजिए, जितनी भी मेरी बहनें महिलाएँ हैं रसोई चलाना उनके लिए मुश्किल हो गया है, महंगाई के लिए एक सिलेंडर भरवाने के लिए उन्हें दर दर धक्के खाने पड़ते हैं और इतना महंगे हो गए हैं सारी चीजें कि उनकी रसोई बड़ी मुश्किल से चलती है। तीसरा मुद्दा मैं ये कहूंगी कि मेरी बहनें यहां सुरक्षित नहीं है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो किस तरह के विकास की अगर बात करें, जिसे आरोप प्रत्यारोप का ये सिलसिला जो जारी है, आप क्या कहेंगे इस पे? नहीं देखिए, जहां तक विकास की बात है, विकास दिखाने के लिए वहां पे हुआ है जहां पे कुछ पैसा बचता है, मतलब कुछ दिखाने के लिए करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या। और जहां तक विकास की मैं एक दो बात बता दूं, आपके यहां गांव सिरगढ़ है, यहां पे इनका केस मेरे पास में सुप्रीम कोर्ट में था, उसकी अगर आप कागज देखें, हालांकि टेक्निकल ग्राउंड पे हमारा वो नहीं चला, यहाँ की जो जमीन है पंचायती जमीन है 1 रुपया साल के किराए पे कॉलेज के लिए ले लिया, और वो भी पंचायत मेंबर जो थे उनकी जबरदस्ती से। बाद में हाई कोर्ट से मैंने ऑर्डर करवाया, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर करवाया कि SDM यहाँ पे फैसला करेगा 2 महीने में। 2 महीने में वो गाँव वालों ने हौसला छोड़ दिया, आज तक उस केस का फैसला नहीं हुआ। ये विकास है कॉलेज की बात करें, आप करनाल रोड पे सबको पता है एक एक सड़क को या डिवाइडर को चार चार बार फिर उखाड़ रहे हैं, फिर बना रहे हैं, फिर उखाड़ रहे हैं, क्या है मतलब कि लोगों को पता ही नहीं। आप देख लो, यहाँ पे एक बात आई कि जितने भी ठेकेदार हैं नरवाना से हैं, अगर कैथल की विशेष की बात करें तो जहाँ तक कॉलेजेस हैं और वहाँ पे जो ठेका दिया गया कॉलेज का वो किसको दिया गया? मेरा ये मानना है कि जो पंचायत की जमीन हड़पी गई, 1 रुपया साल का जो किराया दे रहे हैं पंचायत को, मैंने हाईकोर्ट में यही आर्गुमेंट किया कि भाई जो जमीन है कम से कम जो उसका किराया है मार्केट रेट का तो दो पंचायत को, ताकि पंचायत का गांव का विकास हो। लेकिन नहीं जी, 1 रुपया सैकड़ा पर आज तक उसका फैसला SDM से नहीं दिया, राजनीतिक दबाव के कारण। जनरल आज पूरे भारत में कर लें तो सबको पता है कि जहाँ पे कितना भ्रष्टाचार, ए राजा से लेके टेलीकॉम घोटाले और जितने भी घोटाले हैं तो सारे आपके सामने आते जा रहे हैं। अगर हम राष्ट्रीय लेवल पे बात करें तो कांग्रेस का विकास से तो दूर तक नाता नहीं रहा। कांग्रेस से हमारे एक भाई बोल रहे थे कि हमने विकास की नीति अपनाई है, मेरा इसमें मानना है ये विकास की नीति नहीं बल्कि विनाश की नीति अपनाई है कांग्रेस ने। मैं इसके उदाहरण दे सकता हूँ, कैथल शहर के अंदर आप जिन बस्तियों में जाओगे वहाँ पर पानी की निकासी का प्रबंध नहीं है। मैं अमरगढ़ गामड़ी में रहता हूँ, अब भी अगर थोड़ी बारिश होगी लोगों के घरों में पानी घुसेगा, उनके बेड खराब होंगे, उनकी गेहूं खराब होगी। ये जो पार्क वगैरह बनाई है, ये कहते हैं जो खराब चीज़ है उस पर रोगन मारने से चमकाने से कोई विकास नहीं होगा, बल्कि कुछ प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप में जो करोगे वही विकास है। मैं ये जिस तरह से कि आम जनता या राजनीतिक पार्टियों का कहना है कि कांग्रेस ने कोई अभी तक के विकास की बात करें, कांग्रेस के बाद दोबारा चलते हैं, जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का ये सिलसिला है, उस पर क्या कहेंगे आप? हमारे बहुत ही आदरणीय गर्ग साहब ने सबसे पहले ये कहा कि मैं 12 साल का था तब भी वहाँ पानी चढ़ता था, आज भी पानी चढ़ता है। गर्ग साहब, आप तो एक बार नहीं चार चार दफ़ा चौधरी देवीलाल के साथ रह चुके हो, चौधरी आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला के साथ मुख्यमंत्री, नहीं उप मुख्यमंत्री मंगल सेन जी रह चुके हैं, क्या आपने वो भगत सिंह चौक को वहाँ ऊँचा नहीं उठवाया? क्या कारण था उसका? एक बार क्या कहेंगे आप? हमारा इसमें ये कहना है, इसमें क्या कहेंगे आप? इसमें मेरा कहना ये है, इन्होंने जो पानी की निकासी होती थी उन तालाबों को बंद करवा दिया, जिसके कारण पानी सड़कों पे रहता है। हमारे टाइम में जब ये डॉक्टर मंगल सेन जी की बात कर रहे हैं, जब हमारी सरकार की बात कर रहे हैं, उस समय तालाब खुले हुए थे, पानी की निकासी होती थी, आहिस्ता आहिस्ता पानी उतर जाता था। लेकिन अब क्योंकि निकासी नहीं है, पानी आगे जाने के लिए आगे रास्ता नहीं है, इसलिए वो पानी जाए तो जाएगा। जी बिल्कुल, जिस तरह से जोड़ो दो, जहां तक गर्ग साहब ने ये कहा कि उस टाइम जोड़ होते थे, अरे भले मानस, ये तो बताओ, ये जोड़ का जमाना तो बहुत साल पहले चलेगा। अब तो STP लग रहे हैं यहाँ पर, तीन तीन चार चार वाटर ट्रीटमेंट सीवरेज ट्रीटमेंट लगे हुए हैं, सारा जितना पानी है ये गंदा होकर, जितना गंदा पानी है वाटर ट्रीटमेंट में जाता है। और ये श्रेय कांग्रेस का है, ये श्रेय रणदीप का है, ये श्रेय श्रीमती सोनिया गांधी का है, जो कैथल के अंदर इस प्रकार की बातें हुई हैं। विभाग जी, जिस तरह से अगर महिला की बात करें, सुरक्षित महिला की बात करें, जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला, तो आप क्या कहेंगे कितनी सुरक्षित है महिला कैथल की अगर बात करें? मैं तो नहीं समझता कि यहाँ किसी प्रकार से कोई महिला उत्पीड़न का कोई मामला यहाँ दर्ज हुआ हो कैथल के अंदर।
रूटीन के अंदर कोई ऐसी बात हो मुझे पता नहीं है, किसी की भाभी का केस हो, किसी की माँ का केस हो, वो एक अलग चीज़ है, बट जिस प्रकार से ये इल्ज़ाम लगा रहे, इस प्रकार का कोई भी इल्ज़ाम कांग्रेस पार्टी के खिलाफ ना तो कोई FIR दर्ज हुई है, ना अब तक किसी ने कराई है। जी बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से कांग्रेस के प्रत्याशी का साफ तौर पे कहना है कि कोई भी विकास के कार्य में कोई भी दिक्कत नहीं आई, लेकिन अगर हम बात करें जिस तरह से आपने महिला की बात करी तो उनका साफ तौर पे मनाई है कि कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ है, तो क्या कहेंगे आप? ये तो मैं ये कहूँगी कि जो हमारे पिछले टाइम के अखबार हैं वो सारे उसके गवाह हैं, यहाँ पब्लिक खड़ी है, जनता खड़ी है और जनता के दरबार में हम जा रहे हैं, न्याय ले रहे हैं, सारी पब्लिक जानती है कि सरेआम महिलाओं के गली के अंदर जहाँ सेफ थी वहाँ उनके घर के अंदर महिला अपने आप को सेफ महसूस करती है, वहाँ उनके सर काट दिए गए। दूसरी बात मैं एक बात और कहना चाहूँगी, ये जाति की बात करते हैं कि कैथल के अंदर पहले जाति थी वो एक नहीं थी, मैं ये मानती हूँ कि भाई जाति एक नहीं थी कैथल के अंदर, और ये कहते हैं कि रणदीप सिंह सुरजेवाला ने उन जातियों को एक किया है, मैं कहती हूँ कि रणदीप सिंह सुरजेवाला वाले ने आकर जातियों को यहां पर अलग अलग कर दिया है। विकास करना ऐतिहासिक शहर है हमारा कुरुक्षेत्र, वहां सड़क चौड़ी करनी थी, राजस्थान तक के लोग आते हैं, हमारी राजधानी को सड़क जाती है, करनाल को, अंबाला वाले चंडीगढ़ को सड़क जाती है, वहां कितने हादसे होते हैं, वो होता है विकास। ये आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं प्रेम कॉमरेड, इन अपने विचारों से चलते हैं, इनकी अपनी सोच है, अगर ये मंत्री की बात ना करें तो इनको जेल में ठूस दिया जाता है और 100 दिन बाद इनकी जमानत होती है 100 दिन के लिए। यहाँ से आप नीचे जाओगे आधे फरलांग पे एक मार्केट है अशोक बंसल जी की, वो इनके उनके इनसे विचार नहीं मिलते थे, वो उनकी सारी मार्केट घेर दी गई, हिस्सा मांग रहे थे। ये विकास है, ये विकास हो रहा है। घर साहब आप क्या करेंगे इस मुद्दे पे, क्या आप क्या बोलेंगे? जो राव साहब कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, जो सरकार की बात नहीं मानेगा, मंत्री जी की बात नहीं मानेगा वो अंदर, जो उनकी बात मानेगा वो जिया जूर करेगा, वो ठीक है, बिल्कुल ठीक कहने लग रहे हैं। दिलबाग जी अगर बात करें जिस तरह से इन्होंने आरोप लगाया उस पर क्या कहेंगे आप? इनके एक आरोप नहीं, मैं इनके दो चार आरोप हैं जो बार बार वो लगाते रहते हैं। इनका आरोप ये है कि ये इन्होंने सड़क दो दो तीन तीन दफा बनवा दी। इनका आरोप ये है कि इन्होंने ठेकेदार कहीं और से मंगा लिए। पहली बात तो मैं खोल देना चाहता हूँ, अगर ये RTI की तरफ से अगर कोई भी अगर ले सकता है तो ले ले, क्या इनको वो किसी प्रकार का एतराज़ नहीं है। जो ये कहते हैं कि यहाँ की रोड़ी वहाँ, वहाँ की रोड़ी यहाँ, ये क्या होता है कि उस रोड को बनाने में ये पता लगा कि वो रोड बम्पी रहती थी, इस प्रकार बम्पी, उसको उसका ठेका पूरा दे दिया गया कि इसको पूरी को पाड़ करके रोड को दोबारा ही बनानी है, इस प्रकार से ठेके दिए हैं। और ठेके देने का तरीका ऑनलाइन है, सारे देश को पता है कि ऑनलाइन पे कोई कहीं का आकर ठेकेदार जो ना ठेका ले सकता है, इसमें मंत्री का और इसमें सरकार का क्या रोल है? अब बात करते हैं आम जनता की, अगर हम कैथल की जनता की बात करें तो उनकी क्या राय है जिस तरह से राजनीतिक पार्टियों में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है, अगर आम जनता की बात करें तो आम जनता का इस पर क्या रुख रहेगा, आइए जानते हैं। जिस तरह से विकास के कार्यों की बात करें तो क्या कहेंगे आप? देखो जी, 9 सालों से पहले हमारे माननीय शमशेर सिंह जी सुरजेवाला यहाँ से विधायक रहे, उसके बाद जब उनको यहाँ से दिखा कि कैथल की पब्लिक उनका साथ नहीं देने वाली, उसके बाद उनके पुत्र श्री रणदीप सिंह जी सुरजेवाला जो नरवाणा से भागकर यहाँ आए और उन्होंने यहाँ से इलेक्शन लड़ा और चुनाव जीता, और 9 वर्षों में कैथल में, मेरी उम्र 30 साल है जी, आज से 10 वर्ष पहले बरसात होती थी, सब कुछ होता था, पर हमारा प्रतापगेट एरिया में पानी खड़ा नहीं होता था, पर आज बरसात आते ही पानी लबलब हो जाता है। विकास की गंगा नहीं, शहर में विनाश की गंगा बह रही है। जिस तरह से आप कहेंगे, आप क्या कहेंगे विकास के खिलाफ दोनों? सर यहाँ विकास नहीं, बिल्कुल वो सारी बात है, विनाश हुआ है यहाँ, ना कोई विकास है। पढ़ाई का बारे में तो एक सरकारी कॉलेज, वो भी डुप्लीकेट। इन्होंने कैथल जिले में कहर बरपा रखा है, जो 7/7/3 और 2013 में, जो 2014 में हमारा नागरिक अधिकार संघर्ष समिति का जो धरना लघु सचिवालय में चल रहा था, रात को 11 बजे रणदीप सुरजेवाला की सह पर इशारे पर प्रशासन के द्वारा हमारे 11 बजे उठा दिया गया है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं नागरिक अधिकार संघर्ष। आप क्या कहेंगे विकास के कार्य? मेरा विकास के कार्य में बात कहना ये है कि जो विकास का ढिंडोरा पीट रहे हैं, आप बलराज नगर जाकर देखिए, उन लोगों के BPL कार्ड बने हैं जिन लोगों ने कांग्रेस को वोट दी थी, जिन लोगों ने कांग्रेस को वोट नहीं दी उनके BPL कार्ड काट दिए। देश की जनता है, केवल वो विकास, ये पार्क बनवा दिए हमने, ये बनवा दिया, इससे विकास नहीं होता।
अरे दो रोटी का वादा कर दो विकास वो है, आम जनता को दो रोटी का वादा कर दो वो विकास है। भाई साहब जो ये यू हमारे जो एमपी साहब है और हमारे जो रणदीप सिंह सुरजेवाला यहाँ से मंत्री है, युवाओं को साथ लेके चलते हैं, युवाओं की तरफ देखते हैं, युवाओं के लिए रोजगार के लिए जो आयाम स्थापित कर रहे हैं। यहाँ बात करते हैं हम गड्डी पाटला कॉलेज की। बिल्कुल जिस तरह से बात करें आम जनता की, तो आम जनता का और से पूछते हैं कि क्या कहेंगे अगर हम विकास के कार्य की बात करें तो क्या कहेंगे। विकास के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ जी, ये जो लोकसभा का इलेक्शन चल रहा है और लोकसभा के लिए ये बहस चल रही है, हमारे जो यहाँ से एमपी साहब हैं नवीन जिंदल जी, पूरे 9 साल के अंदर पूरे 5 साल में दिखाई नहीं दिए कैथल के अंदर। अब हम बात करते हैं इनेलो नेता से कि जो जनता है आपको क्यों चुने, आपको वोट क्यों दे। देखिए अगर जाति पाति के जहर को खत्म करने वाला कोई दल है, अगर गरीब से लेकर मजदूर व्यापारी को साथ लेकर चलने वाला कोई दल है, अगर कैथल का विकास, कैथल को जिला बनाने वाला, कैथल के अंदर शुगर मिल लगाने वाला, कैथल के बस स्टैंड को बनाने वाला, कैथल के अंदर खोप खुले पानी का जो स्कीम है उसको उजागर करने वाला चौधरी ओम प्रकाश चौटाला है, आम लोग आपको क्यों चुने, आपको वोट क्यों दें। आम लोग हमें इसलिए चुने क्योंकि हम देश का विकास करेंगे, महंगाई पे कंट्रोल करेंगे, भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे। नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री जब होंगे तो पाकिस्तान की हिम्मत नहीं होगी कि हमारी तरफ आंख उठा के भी देख सके। अगर हम बात करें कि आम लोग आपको क्यों चुने, कांग्रेस पार्टी को क्यों चुने? क्योंकि कांग्रेस पार्टी किसानों के, मजदूरों के, हर वर्ग को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है और हर वर्ग के लिए कांग्रेस पार्टी ने काम किया है। गरीब वर्ग, गरीब आदमियों के लिए खाद्य सुरक्षा योजना जैसी कांग्रेस पार्टी की देन है। RTI राइट ऑफ इंफॉर्मेशन की इसके स्कीम योजना कांग्रेस पार्टी की देन है। कांग्रेस पार्टी ने बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई हैं गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, हर वर्ग के लिए। और इनेलो पार्टी ने तो फिर सिर्फ फिरौती के सिवाय कुछ किया ही नहीं है। और बीजेपी का हरियाणा के अंदर कोई भी जनाधार नहीं है। विकास के कार्य तो अपने सामने दिख लग रहे, कहने का कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होया, सारी जनता ने पता हो फिर यह कह नहीं सकते। ये तो आपको लग रहे कहने मारा शहर में पानी नहीं पड़ना चाहिए, ये तो जिम्मेदार का नाश करने खातर कहने लग रहे इस बार लाभ नहीं बरसा है, कुछ नहीं हुआ है। ये तो मुख्य मारा देश ने इसे क्या नहीं करा, 2 रुपये किलो कणक गरीब ने रोटी रोजी रोटी दी, 90 दिन का काम दे रखा रोजी रोटी दी, बहुत कुछ दिया। आम लोग आपको क्यों चुने? ऐसा है, पहले तो हरियाणा के अंदर जो गठबंधन का चला हुआ था, इनसे ही पूछो कि वो गठबंधन का क्या हुआ। हर रोज लोक दल वाले ये कहते हैं कि हमारा बीजेपी के साथ संबंध हो गया, और बीजेपी वाले कहते हैं कि हमारा इनके साथ किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं हुआ। ये तो वो बात होगी कि तलाक जैसे वाली बात होती है, जिस औरत का तलाक हो उसे जो ना संसद में नहीं भेजा जा सकता उसको किसी प्रकार के लिए, क्योंकि ये पद भ्रष्ट हो चुकी है, इनका कोई किसी प्रकार से किसी के साथ कोई संबंध नहीं है। आज बीजेपी का आलम यह है कि जब इनकी टिकट मिटी है तो जूतियों में दाल इनकी बट रही है। आज नरेंद्र भाई मोदी को वाराणसी भेजा जा रहा है, अगर उसकी हवा होती तो उसको क्यों नहीं गुजरात में रखा जाता। बिल्कुल जिस तरह से यह कहना है लोगों का कि किस तरह से यहाँ पे आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है, लोगों का ये सवाल है, यहाँ के जो कांग्रेस के और इनेलो के जो जनता के जो प्रतिनिधि हैं उनका सवाल है, आइए उन्हीं से जानते हैं। मेरा पारस मित्तल जी से एक सवाल है। इन्होंने कहा कि हम जाति साथी को साथ लेके चलेंगे, आपको वो कंडेला कांड बोल रहे हैं जहाँ पे किसानों के ऊपर गोली चलाई गई थी, जहाँ पे ये अरोड़ा के ऊपर अरोड़ा कांड है। मित्तल जी जिस तरह घोटालों की सरकार है, ऐसा प्रदेश में कोई कोना कोई जिला नहीं है जहाँ रेप नहीं हुए, अत्याचार नहीं हुए, जहाँ भूमि पर कब्जे नहीं हुए। अगर किसान मजदूर का बेटा आवाज उठाता है तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जैसे लोगों को जेल की सलाह का पीछे जिस तरह से आप कहेंगे। अगर कोई भय मुक्त सरकार दे सकता है तो हरियाणा जनहित कांग्रेस है। अगर कोई पार्टी 36 बहादुरी को साथ लेके चल सकती है तो वो हरियाणा जनहित कांग्रेस है। बिल्कुल, अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आपका क्या कहना है? हरियाणा के अंदर जितनी भी यूपीए के अंदर
यूपीए के अंदर जितनी भी स्कीमें चली हैं वो सोनिया गांधी जी द्वारा चली हैं, बुढ़ापा पेंशन और मनरेगा, सूचना का अधिकार, जितनी भी स्कीमें चली हैं हरियाणा के अंदर। कांग्रेस के नेता एक लड़की से बलात्कार पार करते हुए दिखाए गए, क्या किया कांग्रेस सरकार ने? और ये उद्योग मंत्री, शहर में एक भी उद्योग नहीं लगा, ये 12 मंत्री बनकर रह गया, इसने एक भी उद्योग नहीं लगाया। आम आदमी पार्टी की बात करें, आम आदमी देखिए, एक सबसे बड़ा फर्क आपको कार्यकर्ताओं में आपको यही देखने को मिल जाएगा। एक सुन, अरे भाई, एक तरफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, एक तरफ दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता, इसी अव्यवस्था के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। इसी अव्यवस्था को रोकने के लिए आप अनुशासन की जो बात करते हैं, आप देखिए किस पार्टी में अनुशासन है। यहाँ पे 52,000 करोड़ रुपया खा गया नवीन जिंदल क्रियाड, सारा कोला खा गया इस देश का, उससे बड़ा चोर ये जो नरेंद्र मोदी है, जो नरेंद्र मोदी है, ये मुस्लिम लोगों को एक सम कभी बाबा मंत्र के नाम पर, हिंदू के धर्म के नाम पर, कभी मुसलमानों के नाम पर मानता है। नरेंद्र मोदी देश को बांटना चाहता है, ये पाकिस्तान को जानना चाहते, मुसलमानों को उजाड़ना चाहते हैं नरेंद्र मोदी। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला, प्रत्यारोप तो ऐसा जी इनका जम नहीं हो रहा, विकास 10 साल तक इतना विकास हो रहा, जी तोड़ जिस तरह राम ऐसा खा रहे पूरे देश का। हेलो, मैं विकास बताता हूँ। चौधरी चौटाला साहब ने मेन हाईवे तित्रम के पास छोड़ा था, उसके बाद एक इंच भी आगे नहीं बढ़ा। हमारे लाखों युवा यही अंबाला रोड के ऊपर मर गए, और मीडिया वाले ने उनको खूनी संघर्ष नाम दिया है। आज तक 10 साल में एक इंच भी आगे नहीं बढ़ा। विकास विकास की कारण वो पता नहीं बना जी सरपंच में सागर लेने का व्यवत कौन था नहीं, आज वो गड्डियों में हंडा सरपंच, इतने भी है सरपंच खा गए और मंत्री ऐसा सर, जो ये किसानों का इतना चिंता रहा, मैयर में इसको जाट मरवाया, जाट मैयर में संदीप नाम का लड़का खुद चुटाला ने मरवाया, संदीप का उसका मात है, और ये कहते हैं हम जाटों का विकास कर रहे हैं। ये सरकार गरीबों की है, रणदीप सुरजेवाला जिंदल आना, जो हमारा ये सांसद बहुत बढ़िया आदमी है, और जो सुरजेवाला सांसद ने खेड़ दिया एक बिल्कुल सर, विकास कर दिया, गरीबों बच्चे फरी पढ़ा दिए, आठवीं पास ने मास्टर लगावा ही नैलो वाले के पढ़ावेंगे बड़का ने। ये कांग्रेस और देखिए विकास की जहां बात हो रही है, विकास जनप्रतिनिधि करेगा, यहाँ का सांसद जनता के अंदर आता नहीं, यहाँ के जनता के जनसंपर्क ही नहीं है, तो कैसे विकास करेगा? दूसरी बात, यहाँ का जो विधायक है वो यहाँ से विधायक चुनाव के समय भी जनता का सामना नहीं कर रहा, वो दिल्ली बैठा है, विकास की कहाँ बात होगी जब जनता से इंटरेक्शन नहीं होगा आपका। कैथल के अंदर जो विधायक बना अभी तक किसी ने विकास नहीं किया, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने वो विकास कर दिया रिकॉर्डो तोड़, और जो लोग ये बकवास कर रहे हैं उनके पल्ले कुछ नहीं है। विकास चौक के आसपास हो रहा है, कहीं विकास नहीं है, हाँ चौक के आसपास, और बीजेपी वाले के पास कोई टिकट नहीं है देने के लिए। इस तरह से अगर हम बात करें, यहाँ पे लोगों का काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है, अगर हम बात करें यहाँ राजनीतिक पार्टियों की, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लग रहा है कि राजनीतिक पार्टियां जो है आपस में लड़ाई करती हुई नजर आ रही है। अगर हम बात करें आम जनता की, आम जनता का साफ तौर पर कहना है कि विकास कार्य के नाम पे यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। फिलहाल हो चुका है एक खुली बहस में, इस प्रोग्राम के साथ हम विदा लेते हैं। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।